आपकी कहीं और करा देता हूँ। अरे यार भाई सब सेट हो गया, सब सेट हो गया सर, सब लाइव है यार। अच्छा ऐसा है क्या सर? और कहीं पर हो तो ठीक है, वरना फिर आप यही ले लीजिए। और तो क्या, क्योंकि सब सेट हो गया सर, अनलिस्टेड क्रिएटर फाइल लग गई है। थैंक यू। अब आप बोलो स्टार्ट कर लें। तो क्या हाल है बच्चों आप लोग के? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे हो गए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट से आप सभी लोग सेशन में लाइव आ जाओ, और बच्चों उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जो कि होने वाला है एक्सरसाइज 5.5 पर। क्योंकि बच्चों हमने कल अपनी एक्सरसाइज 5.4 को खत्म कर दिया था, और बच्चों एक्सरसाइज 5.4 आप लोग की बेस थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर, और आज जो आप लोग को फंक्शन की बात करनी है बेटा, वो है आप लोग का लॉगरिदमिक, यानी कि भैया लॉग वाले फंक्शंस। तो अगर बच्चों आप लोग के पास ये लॉग वाले फंक्शंस आए, तो आप लोग कैसे इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो? अब देखो इनकी जो बच्चों खास बात होती है, वो खास बात ये होती है कि आप लोगों को इसमें कहीं पर भी लॉग नहीं दिखाई देगा। तो आप बोलोगे सर अगर लॉग वाले फंक्शन है और लॉग नहीं है, तो हमको समझ में कैसे आया कि यहाँ पर लॉग मतलब यूज होगा? तो बच्चों उसके लिए आप लोग को यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि क्या आपके फंक्शन की पावर वेरिएबल है। अगर बच्चों आपके फंक्शन का बेस और पावर दोनों वेरिएबल है, तो उस केस में आप लोग क्या कहते हो कि हम लोग वहां पर अप्लाई करते हैं क्या लॉग फंक्शन वाला डिफरेंशिएशन का रोल, ठीक है ना? चलो देखते हैं बच्चों कैसे हम लोग यहाँ पे इसकी सारी प्रॉपर्टीज, सारे क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझने वाले। तो बच्चों सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर बताना चाहता हूं कि लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि लॉग आप लोग को कहाँ पर यूज करना है, और फिर बच्चों मैं आप लोग को बताऊंगा कि लॉग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, जो कि आप लोग को यहां पर बहुत 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 ज्यादा काम आने वाली है। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों आप देख पा रहे हो कि लॉग के फंक्शंस की आप लोग को बात करनी है। तो ये लॉग के फंक्शंस की डीलिंग हम लोग क्यों करते हैं, कहां पर करते हैं? तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप लोग को ये पता हो कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आप बोलोगे सर जी 1/x होता है। ओके बेटा क्या होता है 1/x? अब मेरी बात पे गौर कीजिएगा, आपने यहां पर देख लिया कि उसका डिफरेंशिएशन क्या है 1/x। अब आप ये देखिए कि बच्चों कहां पर आपको लॉग लेना होता है, जब आपके पास इस प्रकार के फंक्शन दिए हो, एक फंक्शन हो और बच्चों उसकी पावर भी आपके पास एक और फंक्शन दी गई हो। देख लो मैंने क्या कहा है, एक फंक्शन आपके पास है बेटा, उसका बेस क्या है वेरिएबल है, अगर उसकी पावर भी वेरिएबल है, तो फिर बच्चों आप लोग क्या बोलोगे कि हम लोग यहां पर लॉग लेते हैं। तो आप लोग को यहां पर नोट कर लेना है बेटा कि यहां पर आप लोग लॉग लोगे। इस प्रकार के फंक्शंस में, इस प्रकार के फंक्शंस में दोनों ओर लॉग लिया जाता है। कि बेटा तो आप लोग को ध्यान रखना है कि इस प्रकार के फंक्शंस में दोनों ओर हम लोग यहां पर लॉग लेते हैं, और बच्चों लॉग लेने के बाद ही हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। और कैसे होता है एक एक प्रोसेस, एक एक बात मैं आप लोग को भी समझाऊंगा। आप पहले ये देख लो कि इससे कुछ एग्जाम्पल्स, देखिए बच्चों मैं आपको बता रहा हूं इसके एग्जाम्पल। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास दिया गया है बच्चों y बराबर x की पावर x, या फिर मान लो कि आपके पास दिया है बच्चों y की पावर मतलब y बराबर sin x की पावर x। तो बच्चों हम देख पा रहे हैं कि इनका बेस भी क्या है x के फॉर्म का है, और इनकी पावर ही बच्चों क्या है x के फॉर्म की है। अगर इस प्रकार का फॉर्मेट आप लोग के पास है, तो आप लोग इसमें क्या करते हो लॉग लेते हो, ठीक है बेटा?
इसमें आप लोग यहाँ पर लॉग लेते हो। अब बच्चों अपने सेशन में आगे बढ़ने से पहले आइए हम लोग कुछ बात कर लेते हैं लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो कुछ बेसिक बातें मैं आप लोग को यहां पर बताना चाहता हूं जिससे कि आप लोग को आगे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए बच्चों पहली बात क्या है, बहुत बार क्या लिखा होता है बच्चों log e बेस e, बच्चों क्या लिखा होता है बहुत बार log e बेस e, तो इसका क्या मीनिंग है? देखिए बच्चों इसका मीनिंग यह है, आप लोग चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ log e भी लिख सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब यह है बच्चों ऐसा नहीं होगा कि आपको बार बार इस प्रकार से उसका बेस बताया जाएगा। देखो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसे हम लोग पढ़ते हैं log e बेस e, ठीक है ना, हम इसे क्या पढ़ते हैं log e बेस e। अब देखिए जनरली क्या किया जाता है कि अगर बेस ई हो, अगर बेस ई हो तो बच्चों बेस को हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे बच्चों लॉग ई। और सभी को ध्यान रखना है कि लॉग ई का मान क्या होता है, वन होता है। उसी प्रकार से बच्चों उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके पास क्या लिखा है लॉग वन बेस ई, तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया लॉग वन, और लॉग वन का मान क्या होता है जीरो। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आप लोग को ध्यान रखनी है। अब बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि बहुत बार आपके पास क्या लिखा होता है log a बेस a, तो इसका मान भी क्या होता है वन, पर कोई इसे ऐसा ना लिख दे। अब अगर कोई बोले कि सर क्या हम लोग इसे ऐसा लिख सकते, नहीं बेटा ऐसा आप इसे नहीं लिख सकते हो, क्योंकि log की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ E के लिए डिफाइंड है और किसी के लिए नहीं, तो आप लोग इसे ऐसा तो नहीं लिख सकते हो, परंतु बच्चों आप ये बोल सकते हो कि इसका मान क्या है वन है। तो आप बोलोगे सर ये कैसे बोला फिर आपने, समझाऊंगा बेटा समझाऊंगा, परेशान ना हो। देखो log a बेस a अगर आपके पास है, मेरे कहने का ये मतलब है अगर ये दोनों वैल्यू आप लोग की सेम होगी तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है वन। अगर मैंने आप लोग को दिया, मान लीजिए अगर मैंने आप लोग को दिया है बच्चों log 5/5, तो भी इसका मान क्या होगा वन होगा, क्योंकि हमने यहां पर क्या पाया है दोनों क्या है बराबर है। तो अगर बच्चों दोनों बराबर होंगे तो आप उनके मान को बताते हो बराबर की वजह से एक। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी बच्चों, अगली प्रॉपर्टी यह है कि अगर आपके पास log में कोई फंक्शन दिया गया है जिसकी कुछ पावर है, तो बच्चों log ये कहता है कि आप उसकी पावर को आगे ला सकते हो, मतलब कि आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हो x log a, ठीक है बेटा आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हो x log a। अब देखिए उसके बाद बच्चों उसके बाद हम यहां पर देख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास log में दो फंक्शंस का क्या है मल्टीप्लीकेशन है, मतलब a और b का अगर आपके पास का दिया गया मल्टीप्लीकेशन और अगर बाहर क्या है log है, तो आप लोग इसे क्या लिख सकते हो log a प्लस log b आप इसे लिख सकते हो, ये बात आप लोग को मालूम होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों आगे, तो अगर आपके पास क्या लिखा है log a by b, तो बच्चों log a by b को आप लोग क्या लिख सकते हो log a माइनस log b, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोग को बेटा log के लिए ध्यान रखनी है, और मैं आप लोग को बोल रहा हूं आज तो मैं आप लोग को बता रहा हूं बेटा, लेकिन कल से आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है, वरना फिर आप लोग को सवाल समझ नहीं आएंगे। आज मैं आप लोग को बेटा सब कुछ बता रहा हूं, कल आप लोग को इसे अच्छे से रिवाइज करके आना है, अदरवाइज आप लोग को आगे बहुत दिक्कत आ जाएगी। चलिए अब बच्चों एक और बात कर लेते हैं, एक और बात क्या है बेटा, बेस चेंजिंग रूल। देखिए एक और प्रॉपर्टी है आप लोग की बेटा, 8 नंबर की बेस चेंजिंग रूल। अब ये रूल देखिए क्या होता है, ये बेस चेंजिंग रूल एक्चुअल में आपसे चाहता क्या है, आइए हम लोग यहां पर गौर करते हैं और बात करते हैं कि ये बेस चेंजिंग रूल एक्चुअल में आपसे क्या करवाना चाहता है। तो बच्चों मानो कि अगर आपके पास क्या दिया गया है बी और बेस ए है,
क्या दिया बेटा, log b बेस a, इसे हम लोग ऐसे पढ़ते हैं log b बेस a। तो हम आपसे कह रहे हैं कि इसका बेस अभी क्या है, a है, आप लोग इसका बेस चेंज कर दो। बच्चों बेस आप लोग चेंज कर सकते हो, पर चेंज कर सकते हो किसमें, e में। देखिए कैसे चेंज करते हैं, तो बच्चों चेंज करने के लिए हम इसे लिखते हैं log b बेस e, और फिर हम इसे बोलते हैं log a बेस e। और बच्चों अगर बेस e हो, अगर बेस e हो तो आप चाहो तो बेस को बताओ, चाहे मत बताओ आपकी मर्जी है। तो आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, log b बटे log a। तो बच्चों ये होता है आपके बेस चेंजिंग रूल की मेथड। तो बेटा ये कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं जो कि आप लोग को ध्यान रखनी है, सवालों में आप लोग को बहुत बार आएगी, वहां पर भी मैं आप लोग को बताऊंगा, और यहां पर तो मैंने आप लोग को बताया ही है। और अगर बच्चों कोई थोड़ा बहुत ऐसा स्टेप हो जो बाकी रह गया हो, जो छूट गया हो, तो हम लोग उसकी बातें सवालों के साथ साथ आप लोग के साथ भी कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो इन प्रॉपर्टीज को आप लोग को यहां पर ध्यान रखना है। बच्चों सभी प्रॉपर्टीज आप लोग की इस एक्सरसाइज में यूज होंगी, मैं आप लोग को ये बात अभी से बता दे रहा हूं। तो सभी लोग को एक बार अपने दिमाग में इसको देख लो क्या है, जो कि बच्चों आगे भी आप लोग को आने वाली है, तो फिर आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों इन सारी बातों को जानने के बाद अब मैं आप लोग के सामने डिस्कस करने वाला हूं कैसे हम लोग लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बेटा अभी मैं आप लोग के सामने स्टार्ट करूंगा लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्रेलर, और फिर बच्चों जब हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे तब स्टार्ट होगी अपनी पूरी पिक्चर, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों अब वक्त है आपके इस सेशन के ट्रेलर का। देखिए ट्रेलर, देखिए बच्चों तो ट्रेलर में आप लोग को मैं क्या दिखाऊंगा। तो बेटा यहां पर मैं आप लोग के लिए एक सवाल ले रहा हूं, आपके पास क्या दिया है, y बराबर x की पावर x। अब ये सवाल को मैंने देखा और मेरे दिमाग में आया कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखो सभी लोगों को मैंने डिफरेंशिएशन के बेसिक वाले फॉर्मूले बता रखे हैं, तो कोई अपनी बुद्धि यहां पर ये ना चलाए कि बोले सर जी हमको तो एक फॉर्मूला मालूम है कि अगर x की पावर n हो, अगर x की पावर n हो तो सर जी हमको पता है ये फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। तो क्या सर जी अगर हमको इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या, एक्स 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 माइनस वन। नहीं, कतई नहीं कर सकते बेटा, कतई नहीं, कैसे ऐसे कर दोगे यार। देखो एक बात मेरे को बताओ, अगर आपने ऐसा किया तो आप ही मुझे बताओ क्या हुआ यहां पर। तो आप x को आगे लाए और x की पावर में से आपने x माइनस वन किया, अब यहां पर आप खुद समझो आपने किया क्या है। तो अगर मैं बच्चों इसके दो पार्ट कर दूंगा तो इसका मतलब ये होगा, अब देखो x इंटू x की पावर x, और अगर इसकी पावर क्या है बच्चों माइनस वन, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, वन बाई x, आपने x और x को यहां पे काट दिया, और अगर आपने काटा तो आपके पास क्या आ रहा है, x की पावर x आ रहा है। देख लो, मतलब आपने जहां से स्टार्ट किया था आपको वही मिल गया, कैसे बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो यार। मतलब आप निकले थे उसका डिफरेंशिएशन करने और आपको वही का वही मिल गया, तो बच्चों चेंज तो आया ही नहीं यार, ये मेथड एक्चुअली आप लोग की रॉन्ग है। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, मैंने आपको बताया कि जब इस प्रकार के फंक्शन आप लोग को मिले कि बेस और पावर दोनों क्या हो, वेरिएबल हो। अब बहुत से बच्चों को नहीं पता होता कि वेरिएबल क्या होता है। अरे भैया वेरिएबल का मतलब होता है जहां पर एक्स वाई जेड कुछ ऐसे मानो जो आप लोग को पता ही नहीं है। देखो अगर मैंने आपको लिख के दिया है एक्स स्क्वायर, तो यहां पर आप लोग क्या बोलोगे कि इसकी पावर क्या है बेटा, कांस्टेंट है। बच्चों कांस्टेंट का मतलब फिक्स है, क्या है, टू है। अगर मैं आप लोग को ये लिख के दूं एक्स की पावर एक्स, यहां पर बच्चों पावर क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि यहां पर इसकी पावर क्या है, एक्स है, और बच्चों एक्स हमको नहीं पता, वो वेरी कर सकता है, उसका मान कुछ भी हो सकता है। सही बात है ना बेटा, समझे क्या मेरी बात, यहां पर पावर क्या है, वेरिएबल है, यहां पर पावर क्या है, कांस्टेंट है। तो लॉग कहां लेना होता है, लॉग कहां लेना है बेटा,
जहां पर पावर क्या होती है, वेरिएबल। फिर आप बोलोगे सर अगर हमने पावर कांस्टेंट है तो अगर लॉग लिया तो क्या हमारा आंसर नहीं आएगा बेटा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो मेरी बात को समझो, लॉग एक ऐसी मेथड है जो आप लोग की यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह पर अप्लाई कर सकते हो जहां पर आप लोग को पावर दिखे। मतलब कि अगर आपको यहां भी लॉग लेना है तो बेटा आप लॉग ले लो, आप लोग का आंसर आ जाएगा, पर थोड़ा सा समय लगेगा। मतलब मेरे कहने का यह है कि बच्चों इसको सॉल्व करने की आप लोग के पास ये आसान वाली मेथड है, पर इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग के पास मात्र और मात्र एक ही मेथड है बेटा, और वो लॉग की मेथड है। मतलब कि इस प्रकार के सवाल का आंसर सिर्फ और सिर्फ लॉग से आ सकता है, और बच्चों इस प्रकार के सवाल का आंसर इससे भी आ सकता है और लॉग से तो आ ही सकता है, ठीक है ना। आई होप दैट कि सभी को ये कंफ्यूजन अब नहीं आएगा, मैंने समझा दिया है क्या कैसे हुआ है। अब देखिए तो बेटा आते हैं अपने सवाल पर, चलिए आइए मेरे साथ। अब बात करते हैं कि सर लॉग लेते कैसे हैं। बच्चों पहले आप यहां पर लिख दो, आपको जो काम करना है आप पहले यहां लिख दो। हमने लिखा दोनों ओर लॉग लेने पर, यहां पर सभी बच्चों को समझ में आ जाए, मैं इसीलिए हर शब्द को हिंदी में लिख रहा हूं कि यार समझ लो प्लीज बेटा, क्योंकि इसके सवाल एग्जाम में आते हैं। देखो अब अगर आपने यहां पर क्या लिया है लॉग, तो बच्चों लॉग के बाद देखो आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर जी लॉग वाई बराबर लॉग एक्स की पावर एक्स। लॉग लेने का मतलब यह नहीं है कि लॉग ले लो जेब में डाल लो और घर निकल जाओ, भैया लॉग लेने का मतलब है y के पहले आप लोग क्या लगाओगे log, और जो x की पावर x है बेटा उसके पहले भी आप क्या लगाओगे log, सही बात है। तो इसका मतलब होता है log लेना, ठीक है। अब बच्चों स्टेप बाय स्टेप आपकी log की प्रॉपर्टीज यूज होंगी, दिमाग खोल लो, आंखें भी खोल लो और यहां देख लो। तो log की जो प्रॉपर्टी है वो आपसे क्या कहती है कि यहां पर आपके पास क्या log y, और बच्चों देखो उसके बाद आपके पास क्या है लॉग एक्स की पावर एक्स। बच्चों एक्स की पावर एक्स का मतलब क्या है देखो ना, देखो ना हमने क्या बताया था, ए की पावर एक्स अगर आप लोग के पास है तो बच्चों ए की पावर एक्स में आप लोग लॉग की प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हो, आप लोग पावर को आगे ले आते हो। तो बेटा हम लोग पावर को आगे ले आए हैं तो क्या हो गया एक्स लॉग ए हो गया, ठीक है बेटा, वहां पर क्या हो गया x log a हो गया। तो उसी प्रकार से आपको यहां भी करना है। आप लोग बच्चों यहां पर क्या बोलोगे x log x बोलोगे, सही बात है, आप लोग यहां पर क्या बोलोगे x log x बोलोगे। चलिए एक काम यहां पर हो चुका, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहां पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए बच्चों कैसे होता है डिफरेंशिएशन, चलिए मेरे साथ देखिए आप लोग सभी लोग। तो बच्चों log y को डिफरेंशिएट करना है, देखिए कैसे करोगे। तो बच्चों मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log के साथ जो फंक्शन होता है आप उसे अपॉन में ले आते हो, ठीक है बेटा, आप उसे अपॉन में ले आते हो। चलिए तो अगर आप यहां पर देखोगे तो आप बोलोगे सर यहां तो क्या है log y, तो हम लोग y को लाएंगे अपॉन में, सही बात है सर, वेरी गुड। उसके बाद बच्चों क्या होगा y का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि देखो यहां पर आप लोग क्या करते हो बेटा दोनों ओर, बच्चों आप लोग क्या करते हो पता है x के सापेक्ष अवकलन करते हो। जो बच्चे मेरे इंग्लिश मीडियम के हैं वो बोलेंगे सर जी क्या हिंदी लिखे हो, देखिए तो बेटा जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले शेर हैं उनके लिए भी हम यहां पर लिखते हैं On differentiating both the sides with respect to x, okay बेटा हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं कि दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। अब देखिए आप लोग को क्या मिलेगा, चलिए आइए मेरे साथ। तो बच्चों आप लोग बोलोगे कि सर जी हमारे पास क्या था log y था, तो बच्चों डिफरेंशिएशन को आप पहले यहां लिख दो,
मतलब log y का हमने डिफ्रेंशिएशन लिखा है, मतलब d by dx x log x और फिर उसके बाद ये। बच्चों देख लो आपके पास क्या था, log y बराबर x log x था, हमने क्या किया दोनों साइड d by dx किया। चलिए अब देखिए आपके पास यहां पर क्या है बच्चों, log y है, तो log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले 1 by y, ठीक है, वो आपके पास बच्चों क्या हो जाएगा, पहले 1 by y और उसके बाद y का जो डिफरेंशिएशन है बेटा वो क्या होता है dy by dx। भैया डिफरेंशिएशन की होती है चेन रूल, बच्चों समझ जाओ वरना फिर कुछ भी पल्ले ना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो मेरे साथ भाई साहब, 1 by y dy by dx। चलिए अब बच्चों देखिए मेरे साथ आगे क्या होगा, तो यहां पर बच्चों आप देख पा रहे हो कि दो फंक्शन है, अगर ये दो फंक्शन है, एक क्या है x और एक क्या है log x, तो बच्चों दो फंक्शन होने से, दो फंक्शन होने से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने यहां पर अप्लाई करते हैं गुणा का नियम, और अगर बच्चों आप लोग अप्लाई करोगे अपने गुणा का नियम तो आइए देखिए आपके पास क्या आएगा। तो आपने क्या किया है दोस्त, अपने पहले फंक्शन को पुट किया कॉन्स्टेंट, फिर आपने दूसरे वाले को किया डिफरेंशिएट, फिर बच्चों आपने दूसरे वाले को पुट किया कॉन्स्टेंट और फिर आपने पहले वाले को किया डिफरेंशिएट। तो इस प्रकार की जो मेथड है हम लोग अप्लाई करते हैं बेटा, इस प्रकार के बेसिक फॉर्मूले आप लोग पहले 5.2 में सीख चुके हो। अब देखो क्या करोगे, तो यहां पर आपके पास क्या आ रहा है बच्चों, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स, और बच्चों लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, और बच्चों एक्स का क्या होता है 1। अब देखिए आपको क्या मिला, आप बोलोगे सर जी 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस लॉग एक्स, ओके बेटा आप लोग को ये मिल गया। अब देखिए आगे आपको क्या मिलेगा, आगे आपको मिलेगा कि dy by dx बराबर y into 1 plus log x, ओके बेटा आपको क्या मिलेगा y into 1 plus log x। और अब आप मुझे बताइए कि y का मान क्या था, बच्चों अपने सवाल पर आते हैं, देखिए अपने सवाल में आपने यहां पर देखा कि बच्चों y का मान क्या था, x की पावर x। तो अब यहां से आप लोग क्या बोलोगे कि सर जी जो dy by dx है वो हमारे पास क्या आ रहा है, x की पावर x into 1 plus log x। चलिए दैट्स इट, ये आप लोग का आंसर आ चुका है, और मैं बच्चों उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैंने ये सवाल समझाया है। अब इतना आप बच्चों जान लीजिए कि ये आपके log वाले फंक्शंस का सबसे सबसे नन्हा मुन्ना सवाल है, सबसे बेटा इससे बेसिक सवाल तो आपके log का है ही नहीं। और मैं तो ये बोलूंगा ना बच्चों, इसको आप लोग याद कर लो भाई साहब, मैं तो ये बोलूंगा बच्चों कि आप लोग इसको याद कर लो कि अगर आपके पास क्या है वाई बराबर एक्स की पावर एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे तो भैया डायरेक्ट उसके मुंह पे आप लोग आंसर फेंक के मारना, एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। क्योंकि बच्चों यार इतनी बार आपको ये आएगा ना कि मैं क्या बोलूं बेटा, ये x की पावर x आप लोग को इतनी बार आएगा, इतनी बार आएगा कि आप लोग बोलोगे सर जी अब इसको भी इतनी बार सॉल्व करें। तो बेटा इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप इसे याद कर लेना। चलिए तो बच्चों देखते हैं कि यहां पर आप लोग को क्या मिलेगा, आइए देखिए मेरे साथ, आइए बच्चों तो हम यहां पर देखते हैं कि आप लोग को अब क्या मिलना। तो ये था बच्चों अपना इसका बेसिक सॉल्यूशन। अब देखिए हम लोग आ चुके हैं अपने सेशन के पहले सवाल पर, और बच्चों आप लोग देखोगे कि हम लोग किस प्रकार से अपनी सारी प्रॉपर्टीज को यहां पर यूज करने वाले हैं। तो बच्चों प्रॉपर्टीज पर आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं कि हम लोग अपने एग्जामपुर के ऐप के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो बेटा एग्जामपुर के ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप लोग को जाना है प्ले स्टोर में, वहां पर जाके आप लोग को सर्च करना है एग्जामपुर। जैसे आप लोग सर्च करोगे आपके सामने ये ऐप आ जाएगा और आप इसे यहां से इंस्टॉल कर सकते हो, और बच्चों इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐप को ओपन करने का ऑप्शन भी यहां पर मिल जाएगा। और बच्चों ऐप को ओपन करते ही आपके सामने एक ऐसी विंडो आएगी वेलकम टू एग्जामपुर की, और बच्चों वेलकम टू एग्जामपुर की विंडो पर आप देख पा रहे हो कि आपके पास यहां पर दो ऑप्शन है,
बच्चों आपका पहला ऑप्शन क्या है, रजिस्ट्रेशन का, और जो आपका दूसरा ऑप्शन है बेटा वो है लॉगिन का। तो जो लोग हमारे एग्जामपुर के ऐप पर पहली बार आए हैं उनको करना पड़ेगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। और बच्चों रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग को यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी अपने कुछ बेसिक डिटेल, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, पासवर्ड वगैरह आप लोग को यहाँ पर एंटर करना है, जिसके थ्रू आप लोग हमारे एग्जामपुर के ऐप पर रजिस्टर हो जाओगे। और अब बच्चों आगे बढ़ते हैं कि ऐप पर जब आप लोग आ जाओगे तो बेटा ऐप पर आपको क्या क्या मिलेगा ये उसकी बात करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला सेक्शन है हमारा जॉब अलर्ट का, मतलब कि एग्जामपुर में होने वाले सभी कोर्सेस के थ्रू आप लोग को ये तो मालूम चलता होगा कि कौन कौन से एग्जाम होती है, पर बच्चों उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स होती हैं। तो जिन एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन आप लोग को नहीं मिल पा रही है, जो आप लोग से बेटा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की वजह से मतलब मिस हो रही है, तो हमने क्या किया है कि आप लोग को यहां वहां भटकना ना पड़े, इसके लिए बच्चों हमने लॉन्च किया है जॉब अलर्ट का सेक्शन आपके एग्जामपुर के ऐप में ही, जो आपको बताएगा कि पूरे इंडिया में कहां कहां पे कौन कौन से गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की वैकेंसी आ रही है, उनकी एग्जाम डेट क्या है, उनकी जो बच्चों रिजल्ट डेट है वो क्या है, और मतलब हर प्रकार की नोटिस आप लोग को वहां पर एकदम आराम से मिल जाएगी। बच्चों इसके बाद के सेक्शन पर मैं कुछ देर बाद आऊंगा। इसके बाद जो बच्चों सेक्शन है वो है फ्री पीडीएफ का, मतलब यहां पर होने वाले सभी सेशंस की फ्री पीडीएफ फाइल आप लोग को इस सेक्शन से मिल जाया करेगी। उसके बाद बच्चों आपके पास क्या है, अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिस, मतलब कि दोस्त आप लोग जिन भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, उन एग्जाम में आने वाले सभी सब्जेक्ट की अगर आप लोग को अच्छी खासी तैयारी करनी है तो बेटा आप लोगों को हमने यहां पर दिया हुआ है अनलिमिटेड क्विज को प्रैक्टिस करने का बहुत ही बढ़िया सेक्शन, जहां से आप लोग अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद क्या आता है बच्चों, फ्री प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, मतलब कि मेरे दोस्त आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोग ने बेटा उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व नहीं किया है तो फिर आप लोग की पढ़ाई व्यर्थ है भाई साहब। बिना प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किए कोई भी एग्जाम में आज तक टॉप नहीं कर पाया है, ये आप मेरी बात मान लो। और बच्चों टॉप क्या वो एग्जाम भी नहीं निकाल पाएगा अगर वो अपने प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व नहीं करेगा तो, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग को मालूम होनी चाहिए। और फिर बच्चों अपना लास्ट में एक आता है सेक्शन, उसका नाम है ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास ऐसे कुछ रिसोर्सेस नहीं है कि जिससे वो लोग ठीक से पढ़ाई कर सकें, और बच्चों उन रिसोर्सेस में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ये है पैसा। तो सर अगर पैसा नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि कोई कोर्स खरीद लें तो सर कैसे करें, तो बच्चों उसके लिए आप लोग को हमने यहाँ पर दिया है ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट, और इस स्कॉलरशिप टेस्ट के द्वारा आप लोग को अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलेगी, और बच्चों उस स्कॉलरशिप से आप लोग हमारे एग्जामपुर के पेड कोर्सेस बाय कर सकते हो। और बच्चों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि सभी लोगों को ये स्कॉलरशिप के टेस्ट के द्वारा अच्छी खासी यहां से स्कॉलरशिप और सारे कोर्सेस पर डिस्काउंट मिलेगा, जिससे कि बच्चों आप लोग अपनी तैयारी को बहुत आगे लेके जा सकते हो। चलिए अब बच्चों सॉल्व करते हैं अपने इस एक्सरसाइज का पहला सवाल। देखिए तो कैसे इसे सॉल्व करना है, तो बच्चों सबसे पहले तो अपने फंक्शन को आप कुछ मान लीजिए, तो हमने इसे मान लिया वाई, बेटा वाई बराबर क्या हो गया कॉस एक्स कॉस टू एक्स एंड कॉस थ्री एक्स। तो बच्चों आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, तीन फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। बच्चों मुझे बताओ डिफरेंशिएशन में आपने डिफरेंशिएशन में सिर्फ दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला सीखा है, सही बात है ना बच्चों। अगर आपके पास दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन हो तो आप लोग बहुत आसानी से फॉर्मूले का यूज करके अपना आंसर निकाल देते हो, पर अगर तीन फंक्शंस आ जाए तब जो उससे भी सॉल्व तो कर सकते हो लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। इसीलिए बच्चों इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए आप लोग की जिंदगी में लॉग आ गया है। जैसे बच्चों आपकी समस्या को सॉल्व करने के लिए आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं, उसी प्रकार से बच्चों मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन की बच्चों उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉग है, ठीक है ना। तो इसीलिए आइए देखते हैं कि बच्चों लॉग से कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहला काम तो क्या होता है, लॉग तो है नहीं सर जी, लॉग ले लो। फिर हमने यहां पे लॉग ले लिया,
बच्चों इस एक्सरसाइज के सभी सवालों में सबसे पहला काम तो ये होगा कि आपको लॉग लेना है। तो हमने यहां लॉग ले लिया। चलिए तो बच्चों लॉग लिया तो अब देखिए आगे करोगे क्या। अब मेरी बात पे आप लोग गौर कीजिए और वो प्रॉपर्टीज को आप लोग ओपन कीजिए। तो बच्चों लॉग की प्रॉपर्टीज आप लोग से चीख चीख कर ये कहती हैं कि अगर कोई भी फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, अगर कोई भी फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है तो फिर बच्चों लॉग क्या करता है, लॉग उन फंक्शंस को तोड़कर बीच में प्लस डाल देता है। ये कौन करता है? लॉग करता है। अगर ये काम लॉग करता है तो अब देखिए बच्चों आप लोग यहां पर क्या बोलोगे। अब आप लोग बोलोगे सर कि हमारे पास cos x, cos 2x और cos 3x है, तो ये आपको क्या देगा, ये बच्चों आप लोग को देगा log y बराबर log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि बच्चों log आ गया, ठीक है ना। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर log आ गया है। अब बच्चों हमने सबको सेपरेट कर दिया, अब आप लोग यहां पर बहुत ही आसानी से इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हो। आओ देखो मेरे साथ। तो बच्चों इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, वन बाई वाई, और उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स। आपके पास बच्चों क्या आना है, वन बाई वाई और डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए आगे, तो यहां पर क्या है बच्चों, लॉग कॉस एक्स है तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, वन बाई कॉस एक्स। और उसके बाद आपके पास क्या होता है बच्चों, कॉस का डिफरेंशिएशन, तो वो आप लोग को देगा माइनस साइन एक्स प्लस। अब बच्चों क्या है आपके पास, कॉस टू एक्स, तो यहां से क्या आना है, वन अपॉन कॉस टू एक्स। फिर बच्चों क्या होगा, कॉस टू एक्स का डिफरेंशिएशन, तो वो आपको देगा माइनस साइन टू एक्स। और बच्चों उसके बाद क्या होगा, टू एक्स का डिफरेंशिएशन, तो वो आपको देगा, वो आपको देगा टू। अब देखो आगे, तो बेटा आगे आपके पास क्या है, कॉस थ्री एक्स, तो ये आपको देगा वन अपॉन कॉस थ्री एक्स। और बच्चों कॉस थ्री एक्स का फिर बाद में होगा तो वो आपको देगा माइनस साइन थ्री एक्स, और फिर बच्चों आपको साथ में क्या मिलेगा, थ्री। तो आप देख पा रहे हो कि इस प्रकार से आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। तो अभी आप लोग को यहां पर क्या मिला है, वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर, बच्चों अगर हम यहां पे गौर करें तो आपके पास क्या है, माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस टू साइन टू एक्स बाई कॉस टू एक्स माइनस थ्री साइन थ्री एक्स बाई कॉस थ्री एक्स। तो हमने आपसे क्या कहा बच्चों, हमने आपसे क्या कहा कि एक काम करो, ये y को वहां भेजो। अब देखो आप ये y को वहां भेजोगे तो अब देखिए आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर जी वहां तो भेज लो मेरे भाई। चलो तो हमने क्या किया बच्चों, y को यहां भेजा है। अब अगर आप लोग ये y को यहां भेज दिए हो तो एक काम करो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दे क्या, मल्टीप्लाई से ज्यादा कहीं बेनिफिट होगा? अच्छा नहीं होगा, होगा होगा बच्चों होगा। देखो तो हमने आपसे क्या कहा कि आप यहां मल्टीप्लाई करवाओ। चलो तो हम लोग बच्चों यहां पे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस वाई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस टू साइन टू एक्स के पास बच्चों क्या आ गया, y आ गया। अब बच्चों मुझे नहीं पता कि आंसर कहां तक है, इसलिए बच्चा मैं अपने हिसाब से इसे सॉल्व करते जा रहा हूं। अगर आपके पास बुक हो तो आप मुझे बता सकते हो कि उत्तर कहां तक है, बाकी तो यार मुझे खुद नहीं पता कि उत्तर क्या है। चलो कोई बात नहीं। तो अब बच्चों हमने आपसे क्या कहा कि आप यहां पे y का मान रखो, तो आप बोलोगे सर जी y का मान तो है हमारे पास cos x cos 2x cos 3x, और देखो बच्चों अपॉन में क्या है, cos x है। अब देखो उसके बाद क्या है, माइनस टू साइन टू एक्स कॉस एक्स कॉस टू एक्स एंड कॉस थ्री एक्स, और देखिए इसके अपॉन में आपके पास क्या है, कॉस टू एक्स है। और अब देखो आगे बच्चों क्या है, माइनस थ्री, और वाई का मान आपके पास क्या है बेटा, वाई का मान है आप लोग के पास यहां पर
वाई का मान है कॉस एक्स कॉस टू एक्स एंड कॉस थ्री एक्स। चलिए और अपॉन में क्या है बेटा आपके पास कॉस थ्री एक्स। अब देखो आगे, तो आगे आप यहां पर देख पा रहे हो कि आपके पास कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो कि कैंसिल हो सकते हैं। तो आप बोलोगे सर जी इसे कैंसिल कर देते हैं, मैंने कहा बहुत बढ़िया इसे भी कर दो इसे भी कर दो। चलो अब देखो आगे, तो आगे अब आप लोग को फाइनली उत्तर क्या मिलेगा बच्चों। आप बोलोगे कि सर जो डी वाई बाई डी एक्स है हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है माइनस साइन एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स और फिर बच्चों आपके पास क्या है टू और टू के साथ है कॉस एक्स साइन टू एक्स और कॉस थ्री एक्स और फिर बच्चों आपके पास है माइनस थ्री कॉस एक्स कॉस टू एक्स एंड साइन थ्री एक्स। तो बेटा आप चाहो तो यहीं तक अपने आंसर को स्टॉप कर दो, इसके आगे जाने की आप लोगों को कोई खास नीड नहीं है, ठीक है ना। आप लोग अपने आंसर को यहीं पे स्टॉप कर दो और अगर ऐसा नहीं भी आ रहा है तो बच्चों यहां पर जो आपने किया था हो सकता है कि यहां तक ही आंसर आ रहा हो। मतलब कहने का यह है कि आप लोग को यहां पर बच्चों क्या करना है साइन बाई कॉस को कर देना है टेन, मतलब यहां पर टेन एक्स यहां पर टेन टू एक्स यहां पर टेन थ्री एक्स और फिर आप इस वाई को यहां भेज दो। तो बेटा हो सकता है कि वैसे भी आप लोग को आंसर दिया हो बट मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में आंसर क्या है बेटा, मैंने इसीलिए इसके आगे भी आप लोग को दिखा दिया सॉल्वर के कि आगे भी आप लोग और कहां तक जा सकते हो। चलिए अब बच्चों अगला एक और सवाल है हमारे पास, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं बेटा, काफी मजेदार सवाल है। देखिए कैसे सर जी इतना मजेदार है, आइए देखिए। तो बच्चों सबसे पहला काम तो हम लोग क्या करते हैं कि हम इसे कुछ मान लेते हैं, तो हमने इसको मान लिया बच्चों वाई और आप देख पा रहे हो कि बेटा इस पूरे फंक्शन में क्या है, इस पूरे फंक्शन में एक खास बात यह है कि बच्चों पूरे के पूरे फंक्शन की एक पावर आप लोग को दी गई है और इसकी पावर क्या है बेटा वन बाई टू, ठीक है ना। अगर ऐसी पावर है तो हमने इसे ऐसा लिखा। फिर बच्चों आप लोग क्या कीजिए, आप इसके सभी फंक्शन को सेपरेट कर दीजिए क्योंकि बच्चों अगर पावर वन बाई टू है तो आप इसके सभी फंक्शन पर भेज सकते हो, तो हमने भेज दी है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर चलिए, तो बेटा ये आपके पास आ गया और अब देखिए इसके बाद आप लोग क्या बोलोगे कि सर इस फंक्शन को अब हम लोग को अगर सॉल्व करना है तो सर ऐसा क्या कोई फॉर्मूला है? नहीं बच्चों कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि हम लेंगे लॉग और अगर आप यहां पर लोगे लॉग तो अब देखिए आपके पास क्या आएगा। आप बोलोगे सर जी यहां पर क्या हो गया लॉग वाई, यहां पर बच्चों क्या हो गया लॉग वाई। अब देखो यहां पर भी पूरे फंक्शन में क्या आ गया है लॉग, तो भाई साहब एक्स माइनस वन की पावर वन बाई टू एक्स माइनस टू की पावर वन बाई टू और देखो बच्चों अपॉन में क्या है एक्स माइनस थ्री की पावर वन बाई टू एक्स माइनस फोर की पावर वन बाई टू एंड एक्स माइनस फाइव की पावर वन बाई टू, ये आप लोग को मिल गया है। अब देखो बच्चों लॉग की प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है, भैया लॉग की जो प्रॉपर्टी है वो आपसे कहती है कि अगर कोई फंक्शन आप लोग को दिख रहा है और वो दो फंक्शन का अनुपात है मतलब कि रेशियो है, तो बच्चों रेशियो की जो मेथड है वो देखो आपसे क्या कहती है। आओ मैं आप लोग को यहां पर दिखा रहा हूं, आप यहां पर देख पा रहे बच्चों आपके पास क्या है लॉग ए बाई बी, तो ये प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि आप यहां पर बोल सकते हो लॉग ए माइनस लॉग बी। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे बच्चों कि आप ऐसा मान लीजिए कि ये क्या है पूरा जो ऊपर है बेटा वो है आप लोग का ए और जो नीचे है आप ऐसा मान लो कि वो आपका बी है, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा माना तो अब आप लोग क्या बोलोगे लॉग वाई बराबर लॉग एक्स माइनस वन की पावर एक बटे दो एक्स माइनस टू की पावर एक बटे दो। ओके बच्चों एक बार ये हो जाएगा और फिर एक बार क्या होगा माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री की पावर एक बटे दो एक्स माइनस फोर की पावर एक बटे दो और एक्स माइनस फाइव की पावर एक बटे दो आप लोग को मिल चुकी है। अब देखो यहां पर भी आपकी कहानी जो है वो समाप्त नहीं होती है क्योंकि बच्चों अब जो आपको टर्म मिले हैं आप देख पा रहे हो कि लॉग के साथ में ये क्या है मल्टीप्लीकेशन में है और बच्चों अगर आपके पास लॉग में कोई टर्म मल्टीप्लीकेशन में हो
तो आप लोग यहां पर देखो क्या करोगे, अब तो आप बोलोगे log x माइनस वन की पावर वन बाई टू प्लस log x माइनस टू की पावर वन बाई टू। बच्चों ये हो गया इसका एक्सपेंशन, उसी प्रकार से आप इसको भी एक्सपेंड करोगे तो आप क्या बोलोगे log x माइनस थ्री की पावर वन बाई टू, और फिर बच्चों log x माइनस फोर की पावर वन बाई टू, और फिर उसके बाद log x माइनस फाइव की पावर वन बाई टू। सही बात है, चलो आगे और देखते हैं। तो log y जो है देखो आप लोग यहां पे क्या मिलेगा, आप बोलोगे log x माइनस वन बाई टू प्लस log x माइनस टू की पावर वन बाई टू, और आप अगर इनके ब्रैकेट को ओपन करते हो तो बच्चों ये टर्म्स जो है वो आप लोग के पास क्या जाएंगे माइनस में, मतलब माइनस एक्स माइनस थ्री की पावर वन बाई टू माइनस लॉग एक्स माइनस फोर की पावर वन बाई टू, और फिर माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव की पावर वन बाई टू। अब क्या होगा सर, अब बच्चों देखिए एक बार और आप लोग प्रॉपर्टी का यूज करोगे, क्योंकि आपके पास यहां पर क्या है लॉग, और बच्चों लॉग में आप देख पा रहे हो कि आपके फंक्शन के पास क्या है पावर, तो आप लोग बच्चों लॉग की सहायता से इस पावर को आगे भी ला सकते हो। चलिए तो अगर आप लोगों ने यहां पर प्रॉपर्टी यूज की तो देखो बच्चों आप लोगों को यहां पे क्या मिलेगा, वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन प्लस वन बाई टू लॉग एक्स माइनस टू, उसके बाद माइनस वन बाई टू लॉग एक्स माइनस थ्री, और उसी प्रकार से आपके पास क्या आएगा माइनस वन बाई टू लॉग एक्स माइनस फोर और माइनस वन बाई टू लॉग एक्स माइनस फाइव। तो ये आप लोग को मिल चुका है। अब चलिए हम लोग इसे आगे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि बच्चों अब हम लोगों ने अपने पूरे फंक्शन को हर प्रकार से तोड़ दिया है, अब इसके आगे आप लोग इसे तोड़ नहीं सकते हो, तो अब आप इसे करोगे डिफरेंशिएट और देखिए क्या आएगा। तो बच्चों लॉग वाई का क्या होता है वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, सही बात है बच्चों। चलिए आगे वन बाई टू, बच्चों लॉग का क्या होता है यार, लॉग का होता है वन बाई एक्स माइनस वन, बहुत खूब। उसके बाद बच्चों क्या आएगा वन बाई टू, और यहां से क्या आएगा एक्स माइनस टू, उसी प्रकार से बच्चों यहां पर क्या आना है वन बाई टू इंटू वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, और फिर बच्चों आपके पास क्या आ रहा है वन बाई टू इंटू वन अपॉन एक्स माइनस फोर माइनस वन बाई टू इंटू वन अपॉन एक्स माइनस फाइव। अब बच्चों आप लोग सिर्फ ये कीजिए कि वाई को वहां भेज दीजिए, और अगर आपने ये वाई को वहां भेजा तो आपके पास देखो क्या आएगा वाई बाई टू, क्योंकि बच्चों हमने क्या किया यहां से मतलब वन बाई टू को कॉमन कर लिया, और अगर आप लोग यहां से बच्चों वन बाई टू को कॉमन कर लोगे तो आपके पास बचेगा वन अपॉन एक्स माइनस वन वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर और वन अपॉन एक्स माइनस फाइव, और बस ये आप लोग का उत्तर है। अब अगर आप लोग चाहो तो बेटा यहां पर आप लोग y का मान रख देना, और फिर आपको जो मिलेगा वही आप लोग का इसका सही आंसर होगा। ओके बेटा, तो वही आप लोग का इसका सही आंसर होगा, और अब इस प्रकार से हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को हमारे आज के सेशन के सभी सवाल समझ में आ गए होंगे, और अब बच्चों इसके बाद के सभी सवाल हम लोग को सॉल्व करने हैं अपने अगले सेशन में। तो अगर बच्चों एक सवाल मैं आप लोग को चाहूं तो होमवर्क दे रहा हूं, तो बेटा एक बार आप लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करना। आपके पास सवाल क्या है बच्चों, log x की पावर cos x आप लोग का सवाल है, ये मैं आप लोग को दे रहा हूं होमवर्क में, और बेटा ये आप लोग को सॉल्व करना है, और अगर आप लोग का उत्तर आ जाता है तो आप लोग को उत्तर को बेटा वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना है। चलिए तो अब बच्चों आप लोगों से मुलाकात होगी अपने इसके बाद वाले सेशन में, जो कि आई थिंक होगा अपना शनिवार को या फिर संडे या मंडे। ओके बेटा, चलिए तो फिर कोई बात नहीं। तो बच्चों आप लोग का आज के सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर बच्चों थैंक यू सो मच, और अब हम लोगों से आपकी जो मुलाकात है वो होगी बच्चों शनिवार को, और जो उसकी मतलब टाइमिंग होगी वो आप लोग को बता दी जाएगी। ओके सो बच्चों बाय बाय, और फिर जय हिंद और जय भारत।